क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह छुपा रहे नीतीश कुमार या सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर बना रहे हैं बेहतर बिहार। महागठबंधन के आरोपों से लेकर एनडीए के दावों तक यहां मिलेगी आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर। नमस्कार, बिहार तक की खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एलजेपी के उस बैठक से जिस पर सुबह से सबकी निगाहें टिकी थी। बिहार तक को पता चला है कि इस बैठक में जहां नीतीश कुमार की खूब आलोचना हुई, वहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को दी गई सभी चुनावी सौगातों की खूब तारीफ की। बिहार तक से खास बातचीत की एलजेपी के सांसद प्रिंस राज ने। जिस तरह के कोरोना महामारी है और जो बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है बिहार में, ये अभी कोई समय नहीं है, उचित समय नहीं है कि हम बिहार की जनता को एक चुनाव में झोंका जाए। ये हमारे पिता तुल्य हैं कृषि त्यागी जी, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, इसका हम लोजपा स्वागत करते हैं। भुखमरी की करो तैयारी, आ रही है भयंकर बेरोजगारी, ये नारा दिया है तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने इस चुनाव में बेरोजगारी को अपना मुद्दा बना लिया है। असल में बुधवार को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी से जुड़े 17 सवाल पूछे हैं, जैसे कि 15 वर्षों की सरकार बताए कि आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां दी, 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें, 15 वर्षों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे। ये सवाल हर उस क्षेत्र से पूछे गए हैं जिनसे बिहार में रोजगार पैदा किया जा सकता है। 15 साल का हिसाब मांगते ये 17 सवाल अगर बिहार के बेरोजगारों को जच गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होने की गुंजाइश तलाश रहे हैं, वह इस उम्मीद में है कि यह पहल कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। हालांकि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने लालू यादव से अपील की है कि वह महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार किसी दलित या कुशवाहा को बनाए। हालांकि दिलचस्प बात है कि 2015 में आरजेडी ने पप्पू यादव को पार्टी विरोधी बयानबाजियों की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब वह वापस महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का पर कतरने की शर्त पर क्या लालू प्रसाद यादव मानेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन बिहार को केंद्र में रखा गया है। बिहार चुनाव में एनडीए खेमे के लिए पीएम मोदी तुरुप का पत्ता है, इसलिए बीजेपी बिहार में पीएम मोदी के प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री चुनावी सौगातों की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और इसी सप्ताह वो बिहार के लिए बाकी पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। बिहार में कोई चप्पल से चुनावी जंग लड़ रहा है तो कोई कैंची से। चुनाव आयोग ने बिहार की कई पार्टियों के चुनाव सिंबल बदले हैं। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का सिंबल बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने ऐसा कहा है कि वह रघुवंश बाबू की आखिरी लिखी सभी चिट्ठियों को जन जन तक पहुंचाएगी। इन चिट्ठियों के माध्यम से पार्टी लालू प्रसाद यादव के परिवार को निशाना बनाने वाली है। चुनाव से पूर्व उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो बिहार को लगातार चुनावी पैकेज दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बुधवार को 6 भवनों का उद्घाटन किया, वहीं 23 भवनों का शिलान्यास किया। चुनाव की खबरें तो आपने सुन ली, अब चुनाव चिड़ैया की चिचियाहट सुनिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय कहते हैं, लेकिन ट्विटर पर जेडीयू की बढ़ती सक्रियता देखकर लगता है कि नीतीश भी ट्विटर मैन बनने की राह पर हैं। मगही में थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद जेडीयू ने ट्विटर पर एक नया वीडियो लॉन्च किया है। वीडियो में लालू यादव को नेत्रहीन धृतराष्ट्र की तरह दिखाया गया है, जिसे राज्य की गरीबी नहीं दिखती। भूत सुविधाएं भी कोसों दूर थी, शासन की नाकामी से जनता भी मजबूर थी। तब न थी स्वास्थ्य व्यवस्था, न थी किसान की चिंता, तब स्वार्थ में अंधा धृतराष्ट्र बात गरीब की क्या सुनता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए आरजेडी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में एक सवाल है कि नीतीश ने बिहार में 15 साल क्या किया। अब आरजेडी का जवाब आप खुद देख लीजिए।
तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ।